अगली खबर, स्कूल हरियाणा में 21 जनवरी तक बढ़ाया गया सभी स्कूलों का शीतकालीन अवकाश। हरियाणा में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के शीतकालीन अवकाश को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले स्कूलों को 1 से 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला था। वहीं 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड को मद्देनजर परीक्षाएँ समय अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगी। दोस्तों, 2023 में यात्रियों के लिए घूमने के लिए कौन से हैं बेस्ट 10 स्थान, आप बताइए दोस्तों, कहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूची जारी की है, जिसमें लंदन, मरियोका मोन्यूमेंट, ट्राइबल पार्क, किलमोर्टिन पार्क, ओकलैंड न्यूजीलैंड शामिल हैं, कंगारू आइलैंड व्योसा भी शामिल है और घाना भी इसमें शामिल है। आप बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, देखिए भाई, गोदी मीडिया की बकायदी पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं फटकार। विभाजन पैदा करने वाले एंकरों को यहाँ पे साफ एयर ऑफ कर देना चाहिए। स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विभाजन पैदा करने वाले इन एंकरों को ऑफ एयर करना चाहिए, नियम नहीं मानने वाले चैनलों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि सब कुछ टीआरपी से चलता है, चैनल एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वे घटना को सनसनी से शुरू होने जा रहा है अंडर-19 महिला T20 विश्व कप। यहाँ पे T20 विश्व कप में ले रही हैं 16 टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। इन चारों ग्रुप की शीर्ष 3 टीमें अगले राउंड में जाएंगी, वहाँ दोनों अलग अलग ग्रुप में 6-6 टीमें होंगी। इसके बाद उन दोनों ग्रुप की शीर्ष 2-2 टीमें सेमीफाइनल में यहाँ पे खेलेंगी। पीकर गाड़ी चलाने को लेकर जयपुर पुलिस का नाटू वाला पोस्ट वायरल हो चुका है। देखिए क्या है यहाँ पे, ग्लास वारर गोल्डन ग्लोव इन बट लेट्स मेक श्योर इट्स नॉट इन अवर कार। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग सीरियस क्राइम है और इसकी ट्रेजिक हमें देखने को मिल सकता है। पोस्ट में लिखा, शराब पीकर गाड़ी चलाना गंभीर अपराध है जिसके दुखद परिणाम हो सकते हैं। ड्राइविंग के दौरान शराब पीने को नो टू कहा जाए। और एक यूजर ने लिखा, बेहद क्रिएटिव है ये। मठ की धरती जमीन में धंसने की जानकारी मीडिया से शेयर न करें संस्थानों से, NDMA की यहाँ पे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। क्यों है ऐसा? MDA ने इसरो, GSS और CBRI समेत विभिन्न सरकारी संस्थानों से कहा है कि वे जोशी मठ में धंसने वाले जमीन संबंधित डेटा को शेयर न करें, इससे मीडिया पर बात न करें। बतौल बताएं कि लोगों ने इसमें भ्रम पैदा हो रहा है। दरअसल इसरो ने एक रिपोर्ट में कहा था कि जोशी मठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धसा। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जोशी मठ के धसने के बीच उत्तराखंड को लेकर सुषमा स्वराज के भाषण का पुराना वीडियो यहां पे वायरल हो चुका है। यहां पे मैं आपको बता दूं, लोकसभा में दिवंगत बीजेपी सांसद सुषमा स्वराज की 2013 के भाषण का वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ करने की होड़ लगी है, हमें अरबों खरबों रुपये खर्च कर विकास करते हैं, प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्रकृति तबाह कर देगी। सेम इसी तरह की बात अब देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने स्पेन पर 2-0 की जीत के साथ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में अपने अभियान की यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूँ, हालिया वो उड़ीसा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के पूल डी में स्पेन को यहाँ पे 2-0 से हरा के यहाँ पे मैच जीत लिया है। इससे पहले मैच में इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हराया था। अगला मैच रविवार को इंग्लैंड के साथ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। इंडिया की स्क्वाड को यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा को कैप्टन रखा है, KL राहुल, शुभम गिल, पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KS भारत, ईशान किशन, आर अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयंत उनादकट, सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ पे बताइए आपके हिसाब से किसको टीम में होना चाहिए था और किसको यहाँ पे बाहर बिठाना जाना चाहिए था, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से ये टीम ठीक है या नहीं। धन्यवाद।